286, और 286 का निस्प कितना होता है? 143 ना। तो बाद लोगों ने एक जरा इसमें एक दिलचस्प पहलू निकाला है। जाहिर सी बात है, अल्लाह की किताब है, तो इसमें कोई बात इत्तेफाक से तो नहीं आ सकती है, लेकिन बाज मरतबा पुरानी आदात में जो एक चीज जो है वो दिलचस्पी का बाइस बनती है कि 143, 244 का, 286 का आधा जो है वो 143 होता है। तो बिल्कुल 143 वाली जो आयत है उसका आगाज कैसे होता है? वो कजाली का जालनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुमको वसत यानी बीच वाली उम्मत, एतिदाल वाली उम्मत बनाए हैं। तो ये आयत जो है वो सूरह बकरा की बिल्कुल निस्फ आयत है, यानी आधा सूरह बकरा यहाँ पर खत्म होता है। 143 नंबर की आयत है ये, और इसके बाद 143 आयतें और बचती हैं। तो ये बिल्कुल वस्त वाली आयत है, यानी दरमियान वाली आयत है, और जिसमें ये बात बताई गई कि ये उम्मत भी दरमियान वाली उम्मत है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी है 143, उसका आगाज कैसे हुआ था? वकजाली का जालनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुमको उम्मते वसत बनाया है। तो जो आयत उम्मते बिल्कुल बीच वाली आयत है, उसमें ये बताया गया कि उम्मत भी क्या है? एतेदाल वाली, बीच वाली उम्मत है। तो ये एक अदब के हवाले से एक दिलचस्प पहलू है जिसको बाज़ उलमा ने उसको हाईलाइट किया है कि सूरत के बिल्कुल बीच में ये बात आई कि उम्मत बीच वाली उम्मत है, एतेदाल वाली उम्मत है, दरमियान वाली उम्मत है, मिडल, हर चीज में बीच में रहने वाली, और किसी भी दो एक्सट्रीम के बीच में जो एक गोल्डन मिडल होता है उस रास्ते को इख्तियार करने वाली ये उम्मत। ये एक दिलचस्प जो है बात थी, वो मैं पिछले दर्स में आपको नहीं बता सका था। बहरहाल अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला तहवील क़िबला का जिक्र फरमा रहे हैं। फरमा रहे कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं या हम देखते रहे हैं, हम ये देख रहे थे, देखते रहे थे, तकल्लुबा पलटना वजही का आपके चेहरे का, तकल्लुबा वजही आपके चेहरे का बार बार पलटना, फिस समा आसमान की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से खिताब करते फरमा रहे कि अल्लाह के नबी हम देख रहे थे, हम मुसलसल देख रहे थे कि आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार पलट रहा है। कद नरा, नरा रा से नरा बना है, हम देख रहे थे, जमा का सेगा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है लेकिन वो अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीम है। तो ये ताजीम के तौर पे वाहिद की बजाय अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुमात पर जमा का सेगा इस्तेमाल कर रहा है। कद नरा, हम देख रहे थे। उलमा ने, बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ पे कद काना नरा था, लेकिन काना जो है फाल नाकसा, उसको जब सियाक से बात वाजी हो तो उसको हजफ कर दिया जाता है। तो काना नरा से अगर हम उसको काना को यहाँ पर हजफ मान ले तो तर्जमा होगा कि हम देख रहे थे, तकल्लुबा आपके चेहरे को का पलटना, तकल्लुब कल्ब इसी से बना है, कल्ब का मतलब होता है पलटना, इसीलिए दिल को भी कल्ब कहा जाता है क्योंकि दिल जो है वो उलटता पलटता रहता है, किसी एक हालत में बाकी नहीं रहता, दिल का रंग तब्दील होता रहता है, दिल का मिजाज तब्दील होता रहता है। वो जैसे एक फानी बदायूनी का शेर है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, गम खाना यानी दिल। तो वो कह रहा है तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, कि जैसे दिल जो है वो गम खाना है, वो रंग बदलता रहता है। तो दिल की भी हालत क्योंकि तब्दील होती रहती है, उसकी जो कैफियात है, उसकी जो सिफात हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं दिल की, वो तब्दील होती रहती है, इसलिए दिल को भी कल्ब कहा जाता है, उसी से तकल्लुब बना है, उलटना पलटना, वजही का आपका चेहरा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे थे कि आप बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा पलट रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। क्यों देखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबले को तब्दील कर दे, और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क़िबला था काबतुल्लाह, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला बना दे। अल्लाह के नबी को ये पता भी था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला तब्दील करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इस इंतजार में थे कि क़िबला की तब्दीली का हुक्म कब आएगा। तो अल्लाह के नबी दुआ करते हुए आसमान की तरफ देखते थे, एक तो ये है, और एक ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते थे कि वो वही कब नाजिल होगी जिसमें क़िबले के तब्दीली का हुक्म दिया जाएगा। अल्लाह के नबी आसमानों की तरफ बार बार चेहरा उठा करके क्यों देखते थे? बार बार चेहरा आपका आसमानों की तरफ क्यों पलट पड़ता था? या तो वही के इंतजार में कि वो हुक्म कब आएगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किबले को तब्दील करेगा, और दूसरा ये कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में देखते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने कदनरा तकल्लुबा, हमने देखा, हम देख रहे थे तकल्लुबा वजही का फिस समा, कि आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ पलट रहा है, आपकी आंखें बार बार आसमानों की तरफ उठ रही हैं। फलनुबल्लियन्ना क़िबलतन तरदाह, तो हम जरूर बजरूर फेर देंगे आपको उस क़िबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप खुश होते हैं, जिससे आप राजी हैं, हम अनकरीब आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे। यानी क़िबले की तब्दीली से पहले एक मुकदमे के तौर पे बात कही जा रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करने वाली कुरान की जो बहुत सारी आयतें हैं उसमें से ये बहुत लतीफ़ और बहुत अहम तरीन आयत है। यानी अल्लाह ताला क़िबले को तो तब्दील करने वाला था ही, और अल्लाह ताला की हिकमत और फैसले में था कि क़िबले को तब्दील किया जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबले की तब्दीली का एक सबब ये बता रहा है कि मेरा नबी क्योंकि चाहता है क़िबला तब्दील हो जाए, वो क्योंकि अपना चेहरा बार बार उठा करके आसमान की तरफ देख रहा है, तो क़िबले की तब्दीली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को बाकायदा क़िबले की तब्दीली का एक सबब बयान किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहते हैं तो आपकी चाहत के मुताबिक क़िबला तब्दील कर दिया जाएगा। आप देखिए अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन नरदाहा, कि हम अनकरीब आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हम खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हम आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिससे हम खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे तरदाहा, जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप खुश होते हैं। और ये सोचिए कितनी बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को खुश करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को खुश देखना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की खुशी चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अनकरीब हम तुमको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसको तुम पसंद करते हो। अल्लाह के नबी सबसे कहा जा रहा है कि जिसको तुम पसंद करते हो, जिस क़िबले की तरफ आप जाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अनकरीब आपको उस क़िबले की तरफ फेर देगा। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, यानी अल्लाह ताला अपने नबी की तशवीश को, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की बेचैनी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की शिद्दत ख्वाहिश को हवाला बना करके कह रहा है कि क्योंकि आप पसंद करते हैं तो क़िबला आपकी पसंद के हिसाब से तब्दील कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की दलील है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला के यहाँ कितना बुलंद है इसकी दलील ये बहुत बड़ी आयत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है इसकी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत ख्वाहिश को बाकायदा क़िबले की तब्दीली का एक सबब बयान किया गया कि हम एक क़िबला, यानी अल्लाह ताला बहुत क़िबला तब्दील करने के पीछे अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन उसमें एक बाकायदा सबब के तौर पे ये बात रखी गई कि अल्लाह के नबी हम आपको तसल्ली दे रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ज़्यादा तशवीश में और फिक्र में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है, अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश करने के लिए। तरदाहा, रदिया मतलब होता है खुश होना ना, हम कहते हैं रदियल्लाहु अन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फलां से फलां सहाबी से राजी हो गया, खुश हो गया। तो जो क़िबला आपको खुश करता है हम उस क़िबले की तरफ आपका चेहरा फेर देंगे जिससे आप खुश हो जाते हैं। तो नबी को खुश करना ये बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को खुश करना चाहता है, और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया वाजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, अल्लाह ताला मैं जल्दी तेरे पास आया ताकि तुझको खुश कर दूँ, यानी नबी अल्लाह को खुश करना चाहता है। और यहाँ अल्लाह ताला अपने नबी को फरमा रहा है कि नबी हम आपको खुश करना चाहते हैं, हम आपकी खुशी चाहते हैं, हम आपका सुकून चाहते हैं, तो हम अनकरीब जो है वो आपकी दुआ कबूल कर लेंगे, आपकी तशवीश ख़त्म कर देंगे, आपकी फिक्र ख़त्म कर देंगे, और हम क़िबला तब्दील कर देंगे और उस क़िबले की तरफ आपको चेहरा करने का हुक्म दिया जाएगा जिससे आप खुश हो जाएंगे, आप राज़ी हो जाएंगे। ये नबी सल्लम के लिए एक बड़े वक़ार और बड़े इत्मीनान की बात है। पवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, तो अपना चेहरा आप फेर लें, यानी पहले मुकदमा के तौर पे एक बात कही कि हम अनकरीब फेर देंगे, फिर हुक्म भी दे दिया पवल्ली वजह आप अपना चेहरा फेर लें शतर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की जानिब, मस्जिद हराम की तरफ अपने चेहरे को फेर लें, यानी आप क़िबले की तरफ अपना चेहरा कर लें। वजह का असल मतलब तो चेहरा होता है, और जाहिर सी बात है जब हम क़िबला किसी को कहते हैं तो सिर्फ चेहरा जो मुराद नहीं होता है कि चेहरे को उस तरफ फेर लिया जाए, बल्कि पूरा बदन उस तरफ फेरा जाता है। तो इसको अरबी में कहते हैं कि बाज बोल करके कुल मुराद लेना, बाज बोल करके यानी जिस किसी एक हिस्से को बोल करके जिस्म के सारा जिस्म मुराद लेना, तो बाज से कुल मुराद लेना इसको कहा जाता है कि चेहरा कहा गया लेकिन मुराद क्या है, पूरा का पूरा बदन आप क़िबले की तरफ कर लें। सिर्फ चेहरा क़िबले की तरफ करना ये हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि पूरा बदन क़िबले की तरफ करना है। लेकिन चेहरे को जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि कुल्लु मन अलैहि फान वयबका वजहु रब्बिकल जलाली वल इकराम,
कि दुनिया में जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा, सिर्फ बाकी रहेगा आपके रब का चेहरा। तो वहां चेहरा बोल करके अल्लाह ताला की जात मुराद ली गई है। तो ऐसा होता है कि बाज हिस्सों को बोल करके और कुल मुराद लिया जाता है। ये अरबी का एक कायदा है, तो इसको आप याद में जहन में रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप अपने जिस्म को, असल मुराद ये कि आप अपने जिस्म को फेर लें, शतरल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की जानिब, मस्जिद हराम की सिमत में आप अपने आप को फेर लें, यानी आप मस्जिद हराम को अपना क़िबला बना लें। शतरा का मतलब ये होता है जानिब, यानी ऐन मस्जिद हराम की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद हराम की सिमत में। ये लंबी बहस इंशाल्लाह ताला आगे आएगी कि मस्जिद हराम की तरफ इस्तकबाल जो हमको करना है नमाज में तो उसकी क्या सूरतें होंगी और किस सूरत में हमको ऐन मस्जिद हराम हमारे सामने होनी चाहिए और कब ऐसा है कि हम सिर्फ जो है वेस्ट तरफ में अगर चेहरा करके नमाज पढ़ें तो वो काफी हो जाएगा। वही सुमा कुन तुम फवल्लू वुजूहकुम, पहले तो अल्लाह के नबी को कहा गया क्योंकि तशवीश, शौक, मोहब्बत, इश्तियाक है तो अल्लाह के नबी को ज्यादा था, तो पहले खुद अल्लाह के नबी से कहा गया कि आप अपना चेहरा फेर लें। और उसके बाद फिर पूरी उम्मत को हुक्म देते हुए कहा गया वही सुमा कुन तुम फवल्लू वुजूहकुम, और तुम जहां कहीं भी रहो तो अपना चेहरा फेर लो शतरा मस्जिद हराम की तरफ। मस्जिद हराम को मस्जिद हराम क्यों कहा जाता है? हराम की एहतराम से बनाए, एहतराम का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो मस्जिद हराम, सारी मस्जिदों में की रिस्पेक्ट हमको करनी है, सारी मस्जिदों का एहतराम हमको करना है, पर मस्जिद हराम की अजमत ज्यादा है, मस्जिद हराम का की हुरमत ज्यादा है, मस्जिद हराम का रिस्पेक्ट ज्यादा है। और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हराम है, हरम पूरे हरम मक्की के अंदर, जो मस्जिद हराम के अलावा और कहीं पर हराम नहीं है। यानी दूसरी जगहों पर जो चीज़ें हलाल हैं वो मस्जिद हराम में जा करके हराम हो जाती है। वहाँ पर खून बहाना, लड़ाई करना और जो है वो अपनी तलवार खुली लेकर के चलना, और इसी तरह हरम के पेड़ नहीं काटे जा सकते, उसकी घास नहीं उखाड़ी जा सकती, वहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता, बहुत सारे खसूसी अहकाम हैं। वहाँ के जानवरों को कत्ल नहीं किया सकता सिवाय चंद जानवरों के जिनका हदीस में जिक्र आया है, जो नुकसानदा होते हैं। उन जानवरों के अलावा वहाँ पे जानवरों को जो है कत्ल किया जा सकता, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि अगर कोई मुजरिम भी हराम में दाखिल हो जाए तो वहाँ उस पर क़िसास नहीं नाफिज किया जाएगा, वहाँ पर उस पर हद नहीं जारी की जाएगी, बल्कि उसको बाइकॉट कर दिया जाएगा यहाँ तक कि वो मजबूर होकर के हरम से बाहर निकल आए, हरम में उस पर हद भी नाफिज। मतलब एक तबके के उलमा का ये भी कौल है। तो मस्जिद हराम को मस्जिद हराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हराम ये एहतराम से बनाए और मस्जिद हराम का एहतराम ज्यादा है, और इसलिए भी कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हराम हैं जो मस्जिद हराम के बाहर, यानी हरम मक्की के बाहर, दूसरी जगहों पर वो चीज़ें हलाल है लेकिन मस्जिद हराम में वो आप नहीं कर सकते। और ना सिर्फ एक अल्लाह के नबी सल्लम बल्कि दीन इब्राहिम में ये हुरमत थी, और खुद मुशरिकीन मक्का उसकी हुरमत का बहुत लिहाज करते थे। इब्न अब्बास कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में भी अगर कोई आदमी मस्जिद हराम में देख लेता कि उसके बाप का कातिल है, खासतौर पर हुरमत के महीनों में उसके बाप के कातिल को भी देख लेता तो उससे तादुज नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता था। यानी बाप का कातिल सबसे बड़ा दुश्मन होता था उस जमाने में, लेकिन वो भी अगर मस्जिद हराम में हुरमत के महीने में मिल जाता तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती, मस्जिद हराम की हुरमत का इतना लिहाज किया जाता था। तो मस्जिद हराम को इसलिए मस्जिद हराम कहा जाता है क्योंकि उसका मकाम बुलंद है, एहतराम बुलंद है, और उसमें बहुत सारी चीजें करना हराम है जो दूसरी जगहों पर हराम नहीं है। तो वही सुमा कुन तुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तुम जहां कहीं भी रहो तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। यानी इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी रहेगा अगर उसको नमाज पढ़ना है तो उस पर वाजिब है कि उसका चेहरा मस्जिद हराम की तरफ हो। अगर वो जानबूझ करके मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़ता, किसी और सिमत में चेहरा करके नमाज पढ़ता है और वो जानता है कि जिस सिमत में वो चेहरा कर रहा है वो मस्जिद हराम उस सिमत में नहीं है, तो उसकी नमाज बातिल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम कहते हैं इस्तकबाले किबला, किबला का इस्तकबाल, ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं होती, जैसे पाकी के बगैर नमाज नहीं होती, वैसे ही इस्तकबाले किबला के बगैर नमाज नहीं होती। किबले की तरफ अगर चेहरा ना करे तो नमाज नहीं होती। इस्तकबाले किबला के अहकाम इंशाल्लाह आगे आएंगे। वह इन्नल्लज़ीन उतुल किताबा, और वो लोग जिनको किताब दी गई है, लयअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम, कि बेशक ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हक है, उनके रब की तरफ से ये हक है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, इसको हम कहते हैं रुबूबियत खासा। अन्नहुल हक, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। अन्नहु से क्या मुराद है? बाज़ुल उलमा ने कहा अन्नहु से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जो जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब अता की गई, यानी यहूद और नसारा, लयअलमूना, वो जानते हैं यकीनी तौर पर, अन्नहुल हक मिन रब्बिहिम, कि ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये बरहक है अपने रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से इनको रसूल बना के भेजा गया है। बाज़ लोगों ने कहा अन्नहु से मुराद कुरान है, कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से किताब बरहक है, ये जानते हैं। और बाज़ लोगों ने कहा कि अन्नहु से मुराद किबला है, कि उनको ये पता है कि ये किबला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बनाया गया है।
या आलमून, वो जानते हैं कि उनकी किताबों की वजह से जानते हैं, अल्लाह के नबी को भी पहचानते हैं, कुरान को भी जानते हैं कि अल्लाह की किताब है, और किबले के बारे में भी वो जानते हैं कि ये किबला हजरत इब्राहिम का किबला था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको किबला बनाने का हुक्म दिया है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गाफिल नहीं है उन चीज़ों से जो वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अमल से गाफिल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमल को पहचानता है। तो ये आयत का ज्यादा सा तर्जमा है, फिर से हम तर्जमा देख लेते हैं कि हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ पलटता हुआ देख रहे थे, बार बार आपके चेहरे को आसमान की तरफ पलटना हम ये देख रहे थे, आपकी निगाहों का आसमान की तरफ उठना देख रहे थे, तो हमने तब्दील कर देंगे वो क़िबला और आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जो आप पसंद करते हैं, लिहाजा अब आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें, और जहाँ कहीं भी तुम रहो मस्जिद फवल्ली वजह की वाहिद है और फवल्लू वजू हुकुम ये जमा है। तो पहले अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया कि आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें, फिर पूरी उम्मत को हुक्म दिया गया कि आप तुम भी अपना चेहरा आसमानों की अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया कि आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें, फिर सारे दुनिया के सारे मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो नमाजों में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें, और कहा गया कि जो अहले किताब हैं वो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को और तिबले को पहचानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला बरहक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमाल को देख रहा है। इस आयत से हमको बहुत सारी बातें पता चली। पहली बात तो ये पता चली कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे कि हम आपके चेहरे को देख रहे थे, तो अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, कोई चीज अल्लाह ताला की रूयत से, अल्लाह के मुशाहदे से, अल्लाह के देखने से खारिज नहीं है, अल्लाह ताला कायनात की हर हर चीज पर निगाह रखता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसका अकीदा अगर हमारे दिल में मजबूत हो जाए और हमारा यकीन इस पर पुख्ता हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है, तो ये यकीन हमको बहुत सारे गुनाहों से बचा सकता है। कि यानी गुनाह जो होते हैं, अच्छे जबान से हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला हमको नहीं देख रहा है, लेकिन इस पर हमारा ईमान कमजोर होता है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, और ये ईमान की कमजोरी ही हमको गुनाहों तक ले जाती है। अगर बंदे का यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के देखने पर मजबूत हो जाए कि वाकईतन अल्लाह ताला मेरे सुबह शाम को, मेरे दिन रात को, मेरे हर खुफिया और ऐलानिया कामों को देख रहा है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जुरात अपने अंदर नहीं पैदा कर सकेगा। यानी हम देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत अजीब है, उसकी पकड़ बहुत शदीद है। दुनिया में भी जब हम ये देखते हैं कि हम किसी के हक में अगर जुर्म कर रहे हैं और जिसके हक में जुर्म कर रहे हैं वो हमको देख रहा है, तो हम जुर्म से बाज आ जाते हैं। हम अगर किसी क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल का एक निगहबान है, एक छोटा सा हवलदार जिसकी कोई हैसियत ही नहीं हमारी जिंदगी में, जिसको हम कोई अहमियत ही नहीं देते, पर उस हवलदार को भी हम देख लेते हैं अगर कि वो हमको देख रहा है, तो हम ठीक ट्रैफिक सिग्नल पर लाइन से पहले रुक जाते हैं, क्योंकि उसके देखने को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह का देखना उसके देखने से बहुत अजीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर हर चीज को देख रहा है, पूरी बारीकी के साथ देख रहा है। अल्लाह का देखना तो इतना अजीम है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नहीं नहीं वो तो सुनने से मुताल्लिक है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर हर चीज को ये पूरी बारीक बीनी से देख रहा है, कोई चीज अल्लाह ताला की रूयत से छुपी हुई नहीं है। हम जो गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम जबान से तो ये नहीं कहते कि अल्लाह नहीं देख रहा है, पर अल्लाह के देखने का जो यकीन है वो हमारे दिल में मजबूत नहीं है, और ये यकीन जितना मजबूत होता जाएगा उतना ही बंदा गुनाहों से बचाएगा अपने आप को। यानी आप सहाबे किराम को देखें, उनमें से बास सहाबा जो है ना वो अल्लाह ताला के देखने को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगहबानी पर उनका ईमान ऐसा पुख्ता हो गया था कि वो जब तन्हाई में अपने कपड़े उतारते थे तो अपने जिस्म को समेट लेते थे अल्लाह ताला से हया करते हुए। कुरान मजीद में बाकायदा अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कि तुम जो है वो जब तन्हाई में होते हो, यानी बैतुलखला के लिए जाते हैं या अपनी बीवी के पास जाते हैं और अपने कपड़े उतारते हैं, तो अल्लाह ताला से यानी इतना उनका यकीन था अल्लाह ताला के देखने पर कि अपने आप को समेट लेते थे शर्म की वजह से, हया की वजह से। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बाकायदा आयत नाजिल फरमाई कि ये लोग यस्नूना सुदूरहुम, कि अपने सीने को डबल कर लेते हैं, सीमेंट लेते हैं अपने आप को, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया करते हुए, लेकिन अल्लाह ताला तो बहरहाल देख रहा है, तुम समेट लोगे तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है। तो सहाबा जो है ना उनकी तरबियत इस तरह नहज पर हुई थी कि उनका यकीन इस बारे में बहुत मजबूत था कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, और ये अल्लाह ताला के देखने का जो यकीन है ना, यही बंदे को बहुत सारी गुनाहों से बचाता है, बहुत सारी नाफरमानियों से बचाता है। आप सोचिए ना कि हम किसी अगर ऐसी मजलिस में होते हैं जहां पर कैमरा लगा हुआ होता है,
तो हम कितना एहतियात करते हैं, यानी जो अक्सर जगहों पर देखा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो आदमी उस कैमरे के खौफ से कितना मोहताज हो जाता है। शादियों में देखने में आता है कि जो फोटोग्राफी वगैरह होती है जहां पर, और लोग खाना खा रहे होते हैं, तो कैमरा वाला जैसे ही उनके सामने से गुजरता है तो वो बिल्कुल जो है वो संभल करके बैठ जाते हैं, संभाल करके लुकमा उठा रहे होते हैं और बहुत मुहज्जब बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैमरे की आंखें उनको देख रही हैं, और कल को जब शादी की वीडियो बनेगी और लोग देखेंगे तो अगर थोड़ा सा भी उसके बिहेवियर में कोई अवघड़ बना होगा और कोई खिलाफ अदब चीज होगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो हम लोगों की इतनी खशियत हमारे दिल के अंदर पाई जाती है कि कैमरा जैसे ही हमारे सामने पहुंचता है हमारा एटीट्यूड तब्दील हो जाता है, हमारे चेहरे के तासुरात तब्दील हो जाते हैं, हमारे बैठने का तरीका तब्दील हो जाता है, हमारा बिहेवियर तब्दील हो जाता है। क्यों? क्यों? कैमरा की आंख हमको देख रही है, हम देख रहे होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उसका मुशाहिदा तो हमेशा हमारे साथ होता है, हम तन्हाई में हों, हम मजलिस में हों, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा होता है। तो कि ये देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि नबी सल्लम जब अपना चेहरा करते थे आसमान की तरफ और बार बार अपनी आंखें आसमान की तरफ लेकर के जाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा था। तो अल्लाह ताला देख रहा है, ये जो तकवा पैदा होता है इस तकवे की बुनियाद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है तो उससे डरो, और उसके 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 देखते हुए तुम कैसे उसकी नाफरमानी कर सकते हो इस हालत में कि वो तुमको देख रहा है नहीं। किसी भी गुनाह का अगर ख्याल दिल के अंदर आए तो पहली चीज अगर उस गुनाह से जो आपको बचाने वाली वो क्या है कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला की देखते हुए कोई बंदा कैसे अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकता है? आप फजर की नमाज के वक्त उठें और आपकी तबीयत माइल ना हो रही हो नमाज पढ़ने की तरफ, तो आप बस इतना सोचें कि आपको सोते हुए अजान होने के बावजूद अल्लाह ताला देख रहा है। आप कहीं जो है वो सैलून में और पार्लर में दाखिल हों और दाढ़ी काटने की नौबत आए, तो आप बस इतना सोचें कि दाढ़ी जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है जिसको काटना हराम है, इस दाढ़ी को काटते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहा है। नमाज छोड़ते हुए अल्लाह आपको देख रहा है। सूद खाते हुए अल्लाह आपको देख रहा है। बदकारी करते हुए अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। ये इतना कवी तरीन दाइया है गुनाहों से बचाने वाला कि अगर बंदा इस पर अपने आप को यकीन को मजबूत कर ले तो ये एक अकेला दाइया उसको बहुत सारे गुनाहों से बचा लेगा, बहुत सारे जुल्म और नाइंसाफी के कामों से बचा लेगा। किसी का हक खा रहे हो ये सोचिए कि कोई देख रहा हो या देख रहा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तो ये अल्लाह कद नरा, हम देख रहे थे, मुसलसल देख रहे थे आपके चेहरे के पलटने को, ये हम इस बात की दलील है, इस मत का इस हमारा यकीन इससे मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हर हर हालत में देख रहा होता है, चाहे वो हमारी खुफिया हालत हो, चाहे वो हमारी ऐलानिया हालत हो। हमको गुनाही जो तन्हाई के जो गुनाह होते हैं ना, इनसे भी बचाने वाली ये चीज है। यानी आदमी के लिए मजलिस में गुनाह नहीं करना ये जरा सा आसान होता है, लेकिन तन्हाइयों में अपने आप को गुनाह से बचाना मुश्किल हो जाता है। वो एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बहुत आसान है यारों में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में मैं गुलगों से बच जाना। लोग मजलिस में हों और कोई उसको हराम चीज दी जा रही हो तो माज अल्लाह बोल देना आसान है, बहुत आसान है यारों में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में मैं गुलगू से बच जाना। खलवत यानी तन्हाई में, तो तन्हाई में अगर कोई हराम चीज हो रही हो तो उससे बच पाना बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है, और खास तौर पे ऐसे दौर में जब हमारी तन्हाइयों में मोबाइल की शक्ल में गुनाहों का एक पूरा पहाड़ जो है वो हमारे वन क्लिक अवे होता है, एक क्लिक की दूरी पर होता है। जैसे दुनिया वन क्लिक अवे है, वैसे गुनाह जो है वो वन क्लिक अवे बन गया है इस ग्लोबल विलेज में। जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है इतनी कि दुनिया सिमट करके हमारे कदमों में आ गई है, तो जैसे सारी चीजें वन क्लिक अवे हो गई हैं, गुनाह भी वन क्लिक अवे हो गया है। और ऐसे वक्त में अपने आप को तन्हाई के गुनाहों से बचा लेना बहुत मुश्किल काम है, और तन्हाई में गुनाह करना ये बड़ा बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुरमात को पामाल करने वाली, यानी अल्लाह रब के नबी सल्लम की बहुत शदीद वईदें आई हैं ऐसे लोगों पर कि उनको जहन्नम में रब्बुल आलमीन डालेगा और सख्त तरीन अजाब देगा। और वो हम अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे वो तुम्हारी तरह से होंगे, तुम्हारी ही जिल से होंगे, तुम्हारी जबान बोलेंगे, इबादतें करने वाले होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उनको जहन्नम में डाल देगा। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी उनकी गलती क्या होगी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा खलो बी महारिमिल्लाहि इंतहकूहा, कि ऐसे लोग होंगे कि जब अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुरमत के साथ होते तो अल्लाह की हुरमत को वो पामाल कर देते हैं। मजलिसों में तो हराम चीजों से बहुत बचते, अल्लाह ताला के अहकाम की बहुत पाबंदी करते, लेकिन जब खलवत में होते तो क्या करते, इंतहकूहा, अल्लाह की हुरमतों को पामाल कर देते, अल्लाह ताला के अहकाम को पैरों तरे रौंद देते। तो तन्हाई के गुनाह बहुत खतरनाक गुनाह होते हैं, और तन्हाई में आदमी गुनाह क्यों करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब लोग देखने वाले नहीं है,
अब कोई मुझे देखने वाला नहीं है, लेकिन तन्हाई में भी बंदा ये सोचे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहे हैं। ये मुत्तकी का बहुत बड़ा एक उसकी अजमत होती है कि वो तन्हाई में भी ये ख्याल रखता है कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहे हैं। अल्लदीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो गायबाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, तन्हाई में अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला को देखते हुए नहीं देख रहे, लेकिन हमारा यकीन ये होना चाहिए कि किसी भी देखने वाले से ज्यादा अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी रग रग से वाकिफ है, हमारी नस नस से वाकिफ है, हमारे दिल को धड़कता हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहा है। काले रात में काले पहाड़ पर काली चूटी भी रेंग रही होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी देख रहा होता है, उसके कदमों की आड़ भी सुन रहा होता है। तो ये अल्लाह देख रहा है, ये इतनी बड़ी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इतना इतना बड़ा दाइया है गुनाहों से बचाने वाला, कि अगर इस पर हमारा यकीन मजबूत हो जाए और हम इसको बार बार अपने जहन में ताजा करते रहे, क्योंकि ईमान क्या होता है, ईमान बाद में हमें से कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा ना कि नहीं अल्लाह ताला नहीं देखता, हमें से कोई भी आदमी जबान से इसका इनकार नहीं करता है, लेकिन यकीन जो है वो उसका कमजोर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो जहन से महव हो जाती है। इसलिए बार बार इस बात को जो है ना वो अपने जहन में ताजा करना है। लेकिन मैंने फरमाया कि ईमान तुम्हारे दिलों में वैसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो हमको इस ईमान को बार बार दिल में ताजा करना है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। हर गुनाह के वक्त एक ख्याल जहन में पहले ही आना चाहिए कि मैं ये गुनाह कैसे करूं इस हालत में कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। तो इस आयत से एक पहली बात हमको ये पता चली, दूसरी बात ये पता चली कि अल्लाह ताला आसमान के ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों देखते थे आसमानों पर? क्योंकि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है ना। कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें जिनसे उलमा ने इस्तदलाल किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है, यानी वो एक बाज एक गुमराह फिरके जो ये कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है, उनका रद्द करने के लिए वो अल्लाह के नबी और जो अल्लाह ताला के लिए जहत का इनकार करते हैं कि अल्लाह के लिए कोई जहत नहीं कही जा सकती, कोई अल्लाह ताला के लिए कोई डायमेंशन नहीं बताया जा सकता कि अल्लाह फला डायमेंशन में है, फला सिमत में है, अल्लाह ताला के लिए सिमत का इनकार करने वाला भी एक तबका है जिनका अकीदा खराब होता है। वो कहते हैं अल्लाह ताला के लिए कोई जहत नहीं, अल्लाह ताला हर जगह है। उनका रब भी, जो उनके रब में कुरान की बेशुमार आयतें, बहुत सारी आयतें, सरी तरीन आयतें जिनमें अल्लाह ताला के आसमानों के ऊपर होने की जो है वो दलीलें मौजूद हैं, और जो उसके अलावा भी आयतें जैसे अल्लाह ताला का किताब को नाजिल करना, तो जहां जहां इंजाल का लफ्ज आया है, तो इंजाल यानी नाजिल करने का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे आना, और जिसी तरह नीचे से ऊपर जाना ये भी इस तरह की जो आयतें हैं, जैसे कि कलमा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ऊपर जाता है और फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ ऊपर जाते हैं, तो उन आयतों से भी इस्तदलाल किया गया है। कुछ सरी आयतें जिनमें अल्लाह ताला के बारे में कहा कि अल्लाह ताला आसमानों पर है, जैसे सूरह मुल्क की दोनों आयतें जिसमें कहा गया अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, और रहमान अलल अर्श इस्तवा, और इस तरह की आयतें। तो वो आयतें जिनसे अल्लाह ताला के उलू का, अल्लाह ताला के बुलंद होने का, अल्लाह ताला के ऊपर होने का इस्तेदलाल किया गया है, उसमें से एक आयत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ क्यों देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह के नबी को बताया कि अल्लाह ताला आसमान पर है, अल्लाह ताला दुआ कर रहे हैं तो आसमान की तरफ देख रहे हैं, और वही भी जो आने वाली है वो आसमान की तरफ से आने वाली, क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर है। तो वो आयतें जिनसे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ऊपर है, उसमें से एक आयत ये भी है कि अल्लाह ताला हर जगह नहीं है। अल्लाह ताला, ये एक पूरा मौजू है और इसके बहुत सारे दलाइल हैं कि अल्लाह ताला हर जगह नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है वो गुमराह है, बल्कि अगर उनके कौल के लाजिम को तलाश किया जाए कि उनके कौल से क्या लाजिम आ रहा है, तो लाजिम जो है वो कुफ्र तक के पहुंच जाता है। यानी अगर बंदा ये मान ले कि अल्लाह ताला हर जगह है, फिर उससे कहा जाए कि अल्लाह ताला की हर जगह होने का मतलब कि नौज बिल्ला पुतों में भी अल्लाह है, तो ये बात जो है वो इंसान को कुफ्र तक ले जा सकती है। गरचे हम ये नहीं कहते कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है वो बुतों में भी अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि लाजिमुल कौल लैसा बिल कौल, किसी के कौल का लाजिम उसका कौल नहीं होता, लेकिन ये कौल खुद हमको जो है कुफ्र तक ले जाने वाला है कि अल्लाह ताला हर जगह है और कुरान की सही आयतों के खिलाफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीन वाजह तरीन और सरीह हदीसों के खिलाफ है। वो बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब जो है लौंडी से, जिनको उनके मालिक ने जो सहाबी थे मार दिया था, और अल्लाह के नबी ने बहुत उनको खौफ दिलाया, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी इस लौंडी को आजाद करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा था कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो उसने कहा हुआ फिस समा, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। तो बहुत सारी सरी हदीसों से भी ये बात पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों के ऊपर है, और उनमें से एक आयत ये भी है जिससे हमको ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों के ऊपर है। एक बहुत अहम तरीन चीज हमको इस आयत से जो समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात कितने हैं। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, क़िबलतन तरताहा, अल्लाह के नबी हम आपको उस क़िबले की तरफ फिर देंगे जो क़िबला जिसको आप पसंद करते हैं,
यानी अल्लाह के नबी सल्लम की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि किबला तब्दील हो जाए और काबा को किबला बना लिया जाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फिक्र में और एक तशवीश में मुब्तला थे कि किबले की तब्दीली का हुक्म कब नाफिज होगा, कब नाजिल होगा, कब हजरत जिब्राइल आएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे कि अल्लाह ताला ने किबला तब्दील कर दिया है। इतनी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि बार बार आसमानों की तरफ देख रहे थे, और इस शिद्दत ख्वाहिश को बड़े खुश जो है वो प्यारे उसलूब में अल्लाह ताला ने बयान भी फरमाया कि हम आपके चेहरे को आसमानों की तरफ पलटता हुआ बार बार देख रहे थे। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम का शौक कितना था, अल्लाह के नबी का इंतजार कितना शदीद था कि वो वही कब नाजिल होगी जिसमें किबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया। इतनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद से फैसला नहीं ले लिया कि किबला तब्दील करना है, अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करते रहे। यानी ये अल्लाह के नबी के इख्तियार में नहीं था कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से क़िबला तब्दील कर दें, उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह ताला के हुक्म पर मुनहसिर थे, अल्लाह ताला के हुक्म के मोहताज थे। गरचे अल्लाह के नबी सल्लम ये समझ रहे थे कि अच्छाई इसी में है कि किबला तब्दील कर दिया जाए, ख्वाहिश अल्लाह के नबी की यही थी कि किबला तब्दील कर दिया जाए, लेकिन नबी सल्लम अपनी ख्वाहिश से इस दीन को तब्दील नहीं कर सकते। दीन में कोई तब्दीली अल्लाह के नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, जो वो भी अल्लाह के नबी सल्लम दीनी मामलात में फैसला लेते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, जब तक हुक्म ना जाए अल्लाह के नबी सल्लम उसमें तब्दील नहीं करते। तो असल हुक्म नाजिल करने वाला अल्लाह है, असल शरीयत नाजिल करने वाला अल्लाह है, और शरीयत के मामले में अल्लाह के नबी सल्लम पूरे तौर पर अपने रब पर डिपेंड है। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म ना आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लम के इख्तियार में नहीं था कि आप क़िबला तब्दील कर लें। और सिर्फ यही मौका नहीं, इसके अलावा भी मौके आप देखें, जब अल्लाह के नबी सल्लम हजरत मूसा नीचे आए हैं मेराज की रात में और हजरत मूसा से मुलाकात हुई, हजरत मूसा ने कहा कि इसे बताया कि हमको इतनी 50 नमाजें फर्ज की गई हैं, तो हजरत मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी, आप कम करा लें। तो अल्लाह के नबी को कम कराने के लिए आसमानों पर जाना पड़ा, अपनी अपनी तरफ से अल्लाह के नबी ने कम नहीं कर दिया कि चलो 50 मुश्किल है तो मैं 40, 20, 50, 5 कर लेता हूँ, नहीं, अल्लाह ताला से कम कराना पड़ा। शरीयत के मामलात में अल्लाह के नबी सल्लम अपने इख्तियार से चीजों को हलाल हराम वाजिब मुस्ताहब मुबाह नहीं करते, अल्लाह के नबी इज्तिहाद करते थे और वो इज्तिहाद भी अल्लाह ताला की निगरानी में होता था, और कहीं इज्तिहाद अगर गलत हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन उसकी तसहीह भी फरमाई। लेकिन दीन बेसिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होता है, दीन के अहकाम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी सल्लम इन अहकाम में अल्लाह ताला के हुक्म के मोहताज थे। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए अल्लाह के नबी सल्लम के अपने इख्तियार में नहीं था कोई चीज। हत्ता कि आप देखिए बाज़ रिवायतों में आता है ना कि मदीना में एक औरत जो है वो उसका जानिया होना बहुत मशहूर था, सबको ये बात पता थी, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, तो अल्लाह ने फरमाया अगर बगैर किसी सबूत के मैं किसी औरत को रजम करता तो फलानी को रजम कर देता, लेकिन अल्लाह के नबी इख्तियार में ही नहीं था वो, अल्लाह के नबी सबको पता था कि वो औरत जो है वो जना में मुलव्वस है, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था तो अल्लाह के नबी सल्लम अपने तौर पे अपना कदम नहीं उठा सकते थे। तो किबला जब तक अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दे दिया, बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी की शदीद ख्वाहिश थी कि किबला तब्दील हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लम ने किबला अपने तौर पे तब्दील नहीं किया। हाँ, ये इसमें हमारे लिए ना उन लोगों के खिलाफ बड़ी दलील है जो बिदअत हसना की बात करते हैं। क्या बिदअत हसना? कि भाई बिदअत एक ऐसी भी होती है कि कोई चीज अच्छी लगे तो उसको दीन में शामिल कर लो, जो चीज अच्छी लगे उसको दीन में शामिल कर लो। हमको अच्छा लगता है कि अल्लाह के नबी की मेराज की रात को हम महफिलें जमाएं तो उसको भी दीन का हिस्सा बना लो, अल्लाह के नबी की पैदाइश के दिन ईद मनाई जाए उसको भी दीन का हिस्सा बना लो, जो अच्छा लगे उसको दीन का हिस्सा बना लो। ये नहीं चलता दीन के अंदर, दीन में दीन कोई हमारे बाप की जागीर नहीं है कि हम उसमें अपनी मर्जी से हेर फेर करते रहेंगे। दीन अल्लाह की तरफ से साबित शुदा नाजिल होने वाली हकीकत है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तब्दीली का इख्तियार नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि नबी सल्लम भी चाहते हुए किबला, नहीं, अल्लाह के नबी जानते हैं हसना क्या है, नबी से ज्यादा हसना को समझने वाला कौन है। नबी सल्लम भी जानते हैं कि हसना ये है कि हमारा रुख हमारा किबला काबा बन जाए। नबी सल्लम एक चीज को अच्छा समझने के बावजूद, अच्छा जानने के बावजूद अपनी मर्जी से फैसला नहीं रहे नमाज में तब्दील कर लेने का, बल्कि अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और हम अपनी मर्जी से, हमको अच्छा लग रहा है तो हम ईद ईजाद कर लेंगे, हमको अच्छा लगेगा तो हम रातें ईजाद कर लेंगे, हमको जो अच्छा लगा हमने दुरूद ईजाद कर लिया, हमको अच्छा लगा तो हमने नमाजें ईजाद कर ली, हमको अच्छा लगता है हम कोई भी इबादत ईजाद कर लेते। हमने जो है दीन को खिलवाड़ समझ करके रखा हुआ है कि मेरी मर्जी आएगी मैं जैसा चाहूंगा दीन तब्दील करूंगा, कोई मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाला नहीं। तो दीन जो है ना वो कोई खिलौना नहीं है कि आपकी मर्जी से आप जो चाहे नई इबादत बना लें, नया दीन बना लें। बस लोगों ने एक नई नमाज बना ली सलात गौसिया के नाम से, हाँ, और गालिबन वो सलात गौसिया में किबला भी जरा सा कुछ उसमें तब्दील कर दिया गया। अब उसकी तफसीलात पढ़ेंगे ना सलात गौसिया की, तो वो जरा सा काबा से रुख थोड़ा सा अलग करके वो नमाज पढ़ी जाती है सलात गौसिया, ऐसा मैंने बाज़ लोगों से सुना है, और बल्कि बाज़ किताबों में पढ़ा भी है सलात गौसिया के बारे में।
आप देखिए कि हमने दीन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है कि हम दीन को जो है ना अपनी मर्जी के ताबे हमने कर लिया, अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर लिया कि जैसे मेरी ख्वाहिश होगी मैं दीन में उस तरह की तब्दीली करने का इख्तियार रखता हूँ। तो दीन जो है वो हमारी ख्वाहिशात, बल्कि नबी सल्लम की ख्वाहिशात के मुताबिक भी नहीं है। नबी की ख्वाहिश थी कि किबला तब्दील हो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने किबला तब्दील नहीं किया नबी सल्लम ने, और किबला नहीं, बल्कि बहुत सारे मामला में तो नबी अपने ख्वाहिश के बावजूद मसलहतों की वजह से अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी। जैसे अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में, जिसके बारे में आता है ना कि अल्लाह जो हतीम का इलाका है काबा से कि गिर जो एक गोल दायरा है वो काबा का हिस्सा है, अल्लाह के नबी चाहते थे कि वो काबा में शामिल कर दिया जाए। हजरत आयशा से कहा कि लोग अगर नया नया ईमान लोगों ने कबूल नहीं किया होता और लोगों का ईमान जो है वो नया नहीं होता और वो ये ना कहते कि नबी ने आते ही काबा तोड़ना शुरू कर दिया तो मैं काबा को उसकी असली बुनियादों पर तामीर करा दी। दीन जो है ना वो ख्वाहिशात के और आपकी आपकी आप किसको अच्छा समझते हैं, आप किससे खुश होते हैं, इससे दीन नहीं चलने वाला। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लम की खुशी ये थी कि काबा किबला बना दिया जाए, पर अल्लाह के नबी ने अपनी खुशी की बुनियाद पर दीन तब्दील नहीं किया। तो आप ईद मिलाद मनाने से खुश होते हैं, आप शब मिराज मनाने से खुश होते हैं, आप 15वीं शब शाबान की शब में इबादतें करने से खुश होते हैं, आप पैदल हज करने से खुश होते हैं और आप नजर नियाज करने से खुश होते हैं, तो आप किससे खुश होते हैं ये दीन नहीं हो सकता। दीन वो है जो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है। दीन में हमको अपनी खुशी नहीं देखना है, अल्लाह की खुशी देखना है कि हमारा रब किससे खुश होता है। हमारी खुशी अगर अल्लाह की खुशी के ताबे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अल्लाह ताला की दीन को अपनी खुशी के ताबे कर लें, अपनी खुशी के हिसाब से अल्लाह ताला का दीन तब्दील करें, इसका इख्तियार हमको क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से अपनी खुशी से दीन तब्दील कर लें। अब इस आयत के अंदर जो है वो एक बहुत अहम मौजू फिकही एतबार से, सूरह बकरा के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि सूरह बकरा जो है वो फिकही एतबार से भी तकरीबन नमाज का, रोजे का, हज का, जक़ात के हकाम जो फिकही इबादात है उनके बहुत सारे हकाम आपको सूरह बकरा में मिलते हैं। और अगर आप सूरह बकरा अच्छे से उसकी तफसीर पढ़ लेते हैं तो जो बेसिक अहकाम है वो आपको इबादतों के वो सूरह बकरा में ही आप सीख लेते हैं। तो एक तरह से ये इबादतों का जो एक सिलेबस है, एक निसाब है, वो भी आपको सूरह बकरा में मिल जाता है। और नमाज का जो आगाज़ होता है वो इस्तकबाल क़िबला ही से होता है, क़िबले की तरफ अपना चेहरा करना। इस्तकबाल का मतलब होता है चेहरा करना, इस्तकबाल क़िबला यानी क़िबला की तरफ चेहरा करना। ये नमाज की एक बहुत ही अहम शर्त है और अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया फवल्ली वजह का शतरल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख करिए। तो इस्तकबाल किबला के कुछ अहकाम है जो हमको इस वक्त देख लेने चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस्तकबाल किबला वाजिब है, किबले की तरफ चेहरा करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फवल्ली वजह का शतरल मस्जिद हराम, अपना चेहरा किबले की तरफ करिए। और तमाम मुसलमानों को भी कहा फवल्लु वजूहकुम शतरा, की अपना अपने अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो नमाज में इस्तकबाल किबला वाजिब है, इसकी पहली दलील कुरान की आयत है। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत मरी है, बुखारी में मुस्लिम में मौजूद है, इज़ा कुमत इला सलात फअस्बिगिल वुज़ू, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज का इरादा करो, फअस्बिगिल वुज़ू, तो वुज़ू पूरी तरह से करो, मुकम्मल वुज़ू करो, सुम्मस्तक़बिलिल क़िबला, उसके बाद किबला का रुख करो, फकब्बिर, और तकबीर करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद की आयत में हुक्म दिया है। और इसको अम्र कहा जाता है ना, हुक्म का मतलब होता है अम्र। और उसूल फिक का एक कायदा यह है, अल अम्र यदुल्लु अलल वुजूब, अम्र जो है वो वुजूब पर दलालत करता है। किसी चीज का अल्लाह और उसके रसूल हुक्म दे दें तो वो चीज जो है वो वाजिब हो जाती है, उस पर अमल करना वाजिब हो जाता है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लम की एक दूसरी हदीस भी है जिसमें आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ और क़िबले की तब्दील का हुक्म दिया गया तो कुछ लोग ऐसे थे कुबा में जिनको वो हुक्म पता नहीं चला था और वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और उनका चेहरा जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ था, बैतुल मक़दिस की तरफ था। तो एक आदमी आया और उसने जो है बताया कि अल्लाह के नबी सल्लम पर हुक्म नाजिल हुआ है कि अब चेहरे को तब्दील कर लिया जाए। और जैसे ही कहा गया फस्तक़बलूहा तो उन्होंने फौरन अपना चेहरा तब्दील कर लिया, फस्तदारुल काबा, और वो काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया। तो इसमें भी आया कि कद उमिरा अन यस्तक़बिलल काबा, कि अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया है कि काबा की तरफ चेहरा करें। तो इस हदीस से भी ये पता चलता है कि क़िबले की तरफ चेहरा करना वाजिब है नमाज के अंदर। ना सिर्फ वाजिब है बल्कि नमाज की शर्तों में से एक शर्त है, जैसा कि मैंने बताया। कोई शख्स अगर जानबूझ करके
चेहरे किबले की तरफ ना करें और किसी भी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ ले, वो कितना भी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़े, उसकी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि कुरान और हदीस दोनों जगह पर काबा को किबला बनाने का हुक्म दिया गया है, बल्कि वो गुनहगार हो जाएगा। अब किबला की तरफ इस्तकबाल की दो हालतें होती हैं। एक हालत तो ये होती है कि काबा जो है वो आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा हो। अगर काबा अपनी आंखों से नजर आ रहा है तो ऐसी सूरत में ऐन काबा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, फिर आप राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। अगर काबा आपके सामने है तो आप थोड़ा भी राइट लेफ्ट नहीं हो सकते, ऐन किबला यानी किबला की बिल्कुल राइट में इस तरह की वो अगर एक लकीर खींची जाए तो काबा आपके सामने आ जाए। काबा नजर आ रहा हो तो बिल्कुल उसको अपनी निगाहों की अपने चेहरों के सामने रखना वाजिब है और इस पर उल्मा का इत्तेफाक है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि अगर काबा नजर आ रहा है, जो काबा का मुशाहिदा कर रहा है, चाहे काबा उसके करीब हो या काबा उसके दूर हो, तो वो दाएं बाएं नहीं मुड़ सकता, और अगर दाएं बाएं वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फकुल्लु मन काना यक़दिरु अला रुयतिल बैति मिम्मन बिमक्कता फी मस्जिदिहा औ मंज़िलिन मिन्हा औ सहलिन औ जबलिन फला तुज़ी सलातुहु हत्ता يصيب استقبال البيت لانه يدرك ثواب استقباله بمعاينته कि हर वो शख्स जो बैतुल्लाह को काबा को अपनी आंखों से देख रहा हो, इस तरह की वो मक्का में मौजूद हो या उसका घर मक्का में हो और उसको काबा दिख रहा हो या किसी वो जमीन पर हो या पहाड़ पर हो, फला तुजी ही सलात हो तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, हत्ता युसीब इस्तेकबाल अलबैत यहाँ तक कि वो बिल्कुल इस्तेकबाल किबला की बिल्कुल सामने हो जाए, दाएं बाएं ना रहे क्योंकि वो काबा को देख सकता है। इमाम अब्दुल बर भी फरमाते हैं, बहुत इस्तेकबाल किबला अल वजहैन अहदुहुमा अन यराहा व युअनीहा फयुलज़िमुहु इस्तेकबालुहा, कि अगर एक आदमी किबले को देख रहा है, उसका मुआयना कर रहा है, तो किबले की तरफ चेहरा करना वाजिब है। यही बात इमाम इब्ने क़दामा भी ने कही है कि अगर वो काबा को देख रहा है तो उसके ऐन यानी ऐन काबा को अपने सामने रखना उस पर वाजिब है, ला नअलमु फीहा खिलाफन, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इजमाई मसला ये कि अगर काबा सामने है तो बिल्कुल ऐन काबा की तरफ होना चाहिए आपका चेहरा। दूसरी सूरत यह है कि काबा नजर नहीं आ रहा, जैसे हम दूर हैं हिंदुस्तान में, कोई यूरोप में है, कोई मदीना के अंदर है, कोई दूसरी जगहों पर है जहां पर काबा नजर नहीं आ रहा, तो काबा अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर ऐन काबा की तरफ चेहरा करना वाजिब नहीं है, बल्कि काबा की जहत में चेहरा करने पर नमाज हो जाएगी। यानी मान लीजिए कि काबा यहाँ है और आप इतना दूर है और बीच में इतना फासला ही काबा आपको नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ा राइट और लेफ्ट हो तो जरूरी नहीं कि एक खत्ते मुस्तकीम ऐसा खींचा जाए कि आप और काबा बिल्कुल सिधाई पर हो, बल्कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम जहां पर भी हों हम मगरिब की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ लें, क्योंकि मगरिब में यानी वेस्ट की तरफ जो है वो काबा है, तो वेस्ट सारा का सारा वेस्ट हमारे लिए किबला है। फिर उसमें हम अगर थोड़ा सा दाएं हो जाए या थोड़ा सा बाएं हो जाए, यानी मगरिब में वेस्ट की तरफ चेहरा करते हुए अगर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चले साउथ की तरफ चले जाए या नॉर्थ की तरफ ले जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर इस तरफ हमने चेहरा किया तो इस तरफ भी कर लें, इस तरफ भी कर लें, मान लीजिए कि ये जो है वो हमारा क़िबला का डायरेक्शन है, तो अब ऐसा भी नमाज पढ़ लें तो भी नमाज सही हो जाएगी, इस तरफ थोड़ा सा हो जाए तो भी सही हो जाएगी, इस तरफ थोड़ा सा हो जाए तो भी सही हो जाएगी, क्योंकि जो मशरिक में है पूरा का पूरा मगरिब उनके लिए क़िबला है, जो मशरिक में पूरा मगरिब क़िबला है, जो मगरिब में उनके लिए पूरा मशरिक क़िबला है। तो काबा अगर नजर आ रहा है तब तो ऐन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फिर आप दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते, लेकिन काबा अगर नजर नहीं आ रहा तो बस आपको ये पता है कि काबा जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो आप वेस्ट की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ें, उसमें ये वाजिब नहीं है कि आप दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐन काबा आपके सामने होना चाहिए। उसकी दलील क्या है? उसकी एक दलील तो जो ये कुरान की आयत है शतरुल मस्जिदिल हराम, उसकी पहली दलील जो है वो अल्लाह वो ये कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, फवल्ली वजहका शतरुल मस्जिदिल, पवल्ली वजह का शत्र मस्जिद लगाओ, शत्र का मतलब होता है जहत, यानी अपना चेहरा आप काबा की जहत में कर लें, काबा की तरफ कर लें, ऐन काबा की तरफ करना उस वक्त वाजिब नहीं है, और इस बात पर भी तकरीबन उल्मा का इजमा ही है, गरचे बाज एक उल्मा के बारे में आते हैं कि उन्होंने इख्तिलाफ किया है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं वअजमाउ अला अन्न कुल्ल मन गाबा अन्हा, कि इस पर इजमा है, इत्तेफाक है सारे उल्मा का कि जो काबा से गायब हो यानी काबा उसकी नजरों के सामने ना हो, ऐ अन ऐनिहा यानी उसकी आंखों के सामने उसके सामने का बना हो, ऐन यस्तक़बिल नाहियता व शत्रिहा, ऐन यस्तक़बिल नाहियता व शत्रहा व तिल्क़ाहा, तो उसके लिए इतना काफी है कि वो काबा की तरफ काबा की सिमत में काबा की जानी चेहरा करके नमाज पढ़ लें। इसी तरह इमाम तैमिया ने इस पर बहुत तफसील से लिखा है, वो फरमाते फमन तवहमा अन्नल फर्दा ऐन यक्सदल मुसल्ली अन यक्सदल मुसल्ली अस्सलात
फी मकानिन लो सारा अला खतिन मुस्तकीमिन वसल्ली वसल्ला अला ऐनिल काबती फकद अख्ता। कहते हैं कि जो आदमी इसको ये वहम हो कि फर्ज नमाज में मुसल्ली के लिए ये वाजिब है कि बिल्कुल वो काबा और वो बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम में हो, खत्ते मुस्तकीम जो एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है ना, तो वो कह रहे जिसको ये वहम है कि अगर आदमी काबा से दूर भी है और इसके बावजूद उसको और काबा के दरमियान में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आयने काबा से, फकत अख्ता, तो वो गलती करता है। वो मनफसरा वजूब सलात इलाइन बिहादा व औजब हादा फकत अख्ता। कहते हैं कि जो इसको वाजिब करार देता है वो गलती करता है। वह इन कान हादा कद कालहु कायलु मिनल मुज्तहिदीन, गर्चे ये बात बाज मुज्तहिदीन ने कही है, फहादल कौल खता, ये कौल खता है, खालिफुन नस्ल किताब व सुन्ना व इजमा सलफ बल व इजमा उम्मा। कहते हैं कि ये बात गलत है, ये किताब व सुन्नत और इजमा सलफ बल्कि इजमा उम्मत के खिलाफ है। इन उम्मत मुत्तफिकतुन अला सेहति सलाति सफिल मुस्ततील अल्लज़ी यज़ीदु तौलुहु अला सिमतिल काबा बि अज़ाफि मुज़ाफा व इन काना सफ्फ मुस्तकीमन ला इन्हा फीह वला तक़व्वुस। कह रहे हैं क्योंकि उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि जब एक कोई लंबी सफ बना करके नमाज पढ़े और जिसकी सिमत इतनी लंबी हो, जाहिर सी बात जब एक शख्स ने नमाज इस तरफ पढ़ी तो सिमत लंबी होगी तो हर आदमी की बिल्कुल ऐन में काबा नहीं होगा लेकिन उसकी नमाज हो जाएगी। तो उससे वो दलील पकड़ते हैं कि हर आदमी का जब वो काबा से दूर हो तो ऐन काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना उस पर वाजिब नहीं है। और इस बारे में एक हदीस भी है जिस पर कुछ कलाम तो है लेकिन शेख अल्बानी ने उसको सही कहा है और उसको दलील के तौर पे पेश किया जाता है। मा बैनल मशरिक वल मगरिब क़िबला, कि मशरिक और मगरिब के दरमियान जो भी है वो क़िबला है। अल्लाह ने फरमाया मशरिक का मतलब होता है ईस्ट और मगरिब का मतलब होता है वेस्ट, तो अल्लाह ने फरमाया मशरिक और मगरिब के दरमियान जो भी है वो क़िबला है। यानी क्योंकि मदीना जो है वो मक्का से शिमाल की तरफ था, शिमाल यानी नॉर्थ की तरफ, तो अल्लाह ने फरमाया जो नॉर्थ में है उन लोगों के लिए ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो भी है वो क़िबला है। उनके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो बिला वजह की मशक्कत में अपने आप को डाल करके और लाजिम मालूम करे कि ऐने काबा कहाँ है, बल्कि वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ यानी जुनूब की तरफ, ये साउथ की तरफ चेहरा करके कहीं पे भी साउथ में चेहरा कर लें, चाहे साउथ में वो चेहरा उनका थोड़ा सा ईस्ट की तरफ हो जाए या वेस्ट की तरफ हो जाए, तो चाहे वो साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करें चाहे साउथ वेस्ट की तरफ चेहरा करें, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो भी है वो क़िबला है। ये सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है और शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। तो एक दलील ये दी गई है इस बात में, और दूसरी दलील वही जो हदीस बताई मैंने आप लोगों को इससे पहले कि जब लोगों से कहा गया कि क़िबला तब्दील हो गया तो लोग नमाज में तब्दील हो गए, नमाज में फौरन वो फिर गए क़िबले की तरफ, जब एक मस्जिद कुबा तक के, क्योंकि ये हुक्म नहीं पहुंचा था अल्लाह के नबी का कि क़िबला तब्दील हो गया है, क्योंकि जोहर की नमाज में या बाज़ रिवायतों में आता है कि असर की नमाज में क़िबला तब्दीली का हुक्म दिया गया, अक्सर रिवायतों में आता है कि सबसे पहली नमाज जो अल्लाह के नबी ने काबा की तरफ चेहरा करके पढ़ी है वो जोहर की नमाज है, और बाज़ रिवायतों में आता है कि वो असर की नमाज है। बहरहाल जो भी नमाज रही हो, कुबा जो मदीना से लगी हुई जगह थी वहां तक के फजर तक के वहां पर ये लोगों को पता नहीं चला था कि क़िबला तब्दील हो गया है, तो एक आदमी गुजरा और वो लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसी दरमियान में उसने कहा कि क़िबला तब्दील हो गया है काबा की तरफ चेहरा कर लो, तो सब लोग उन्होंने अपनी सिमत फेर ली, वो शिमाल से जुनूब की तरफ उन्होंने चेहरा कर लिया, लेकिन ये नहीं मालूम किया कि जुनूब में कौन ऐन काबा कहाँ पर है, बस उन्होंने जुनूब की तरफ चेहरा कर लिया। तो इससे भी उलमा ने ये इस्तेदलाल किया है कि अगर आदमी के नजरों के सामने काबतुल्ला नहीं है और काबतुल्ला से वो दूर है तो उसकी सिमत में कहीं पर भी नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह ताला उसकी नमाज हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इब्राहिम तैमी ने इस पे बड़ा जो है लंबी बहस की है कि इसमें जो जो ये भी उन्होंने जो अहम उन्होंने बात लिखी है, मैं इसको ज़रा स्किप करता हूँ जब अगर आपको बात समझ में आ गई है। तीसरा मसला इस्तक़बाली क़िबला में आता है कि क्या हर हालत में जो है वो क़िबला की तरफ चेहरा करना वाजिब है या उनमें कुछ चीज़ों को इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन हासिल है कि नहीं हासिल है। तो तीन हालात ऐसे हैं जिनमें इंसान को इजाज़त है कि वो क़िबला की तरफ चेहरा नहीं भी करेगा तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। पहला क्या है? पहला है मर्ज, मर्ज की हालत में अगर एक आदमी मरीज है और इतना शदीद मर्ज का वो शिकार है कि वो क़िबले की तरफ चेहरा ही नहीं कर सकता, मसलन कोई आदमी जो है वो एकदम आईसीयू में एडमिट है या कोई आदमी जो है वो इतना जख्मी है कि बिल्कुल हिल जुल नहीं सकता, अब वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर है, वो ना करवट भी नहीं बदल सकता है और अब क़िबले की तरफ उसका चेहरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में जहाँ भी उसका चेहरा होगा वो नमाज पढ़ लेगा। अगर आदमी को एकदम हिलने डुलने की इजाज़त नहीं है, वो अपना चेहरा क़िबले की तरफ कर ही नहीं सकता है, अपना जिस्म क़िबले की तरफ कर ही नहीं सकता है, तो क्योंकि वो हालत उस हालत में वो मजबूर है, तो
तो मजबूरी, मर्ज की जो मजबूरी होती है उसमें इंसान को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो किबले की तरफ चेहरा ना करे, जहां भी उसका चेहरा है नमाज पढ़े। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील जो आम तौर पे कुरान की आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने जैसे एक आयत में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम्हारे अंदर इस्तेतात है उतनी अल्लाह ताला से तुम उतना तक्वा अल्लाह का इख्तियार करो, उतना अल्लाह ताला से डरो। तो क्योंकि अब बंदे की इस्तेतात ही में नहीं है कि वो किबले की तरफ चेहरा करे, तो जो चीज इंसान की इस्तेतात से बाहर होती है, जो वाजिब हुक्म अल्लाह की इस्तेतात से बाहर होता है, उसका वजूब जो है वो खत्म हो जाता है। जब कोई चीज तंग हो जाती है बंदे के लिए करना, तो अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी कर देता है। और कोई चीज अगर उसके लिए इंसान की ताकत से बाहर हो जाती तो इंसान पर वाजिब नहीं रह जाती। तो कोई मर्ज की हालत में है और हॉस्पिटल वगैरह में है या किसी ऐसी हालत में है जहां वो हिल डुल नहीं सकता है, किबले की तरफ चेहरा नहीं कर सकता, तो उसके लिए इजाजत है कि वो जिस तरफ भी चेहरा हो उसका नमाज पढ़ ले। दूसरा, शदीद तरीन खौफ की हालत, मसलन किसी दुश्मन से या किसी दरिंदे से आदमी भाग रहा है या कहीं गर्क होने वाला है, कोई भी खौफ का मरहला है, जैसे आमतौर पर सलात खौफ में होता था कि मस्जिद नहीं है और मैदान में सलात खौफ में नमाज अदा की जा रही है। अब अगर दुश्मन के तरफ पीट करके नमाज अदा की जाएगी तो दुश्मन पीछे से हमलावर हो सकता है, तो ऐसी खौफ की हालत में उसको किबले के अलावा किसी और तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने की इजाजत है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया तुम फरिजालन और रुकबाना, इस तरह की कुछ आयत भी कुरान मजीद की जो इसके लिए बतौर दलील उलमा ने पेश की है। तीसरी हालत जिसमें हमको इजाजत दी गई है कि हम किबले की तरफ चेहरा नहीं करें तो भी हमारी नमाज हो जाएगी, वो सफर की हालत है, नफली नमाज में। यानी नफली नमाज में अल्लाह के नबी का तरीका ये होता था कि अल्लाह के नबी उठनी, क्योंकि फर्ज नमाज तो जाहिर सी बात है मस्जिद में आकर के जमीन पे खड़े होकर के सारे उसके जो नमाज का एक तरीका होता है उस तरह से अदा की जाती है, लेकिन नफली नमाज में अल्लाह के नबी सल्लम से ये तरीका मिलता है कि अल्लाह के नबी किबला की तरफ अपनी उठनी करते थे और नियत जो है वो हाथ बांध लेते थे, नमाज शुरू कर देते, फिर उसके बाद अगर वो उठनी यहाँ वहां अपना रुख फेर भी लेती थी तो भी अल्लाह के नबी नमाज जारी रखते थे। तो सफर की हालत में है, अगर गाड़ी में है या हवाई जहाज में है या ऊंट पर बैठे हुए हैं और उस वक्त आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपका रुख अगर किबले के अलावा किसी और तरफ भी हो तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। फर्ज नमाजों में आप पर वाजिब है कि आप किबले की तरफ चेहरा करें। अगर आप गाड़ी पर भी हैं तो आपकी आखिरी हद तक आपको कोशिश करनी है, मसलन ट्रेन में है तो आखिरी हद तक आपको कोशिश करनी है कि आपका चेहरा किबले की तरफ हो। हाँ, अगर आप आजिज हैं, आपको किबला पता ही नहीं चल रहा, या फिर ट्रेन वगैरह में रुख ही ऐसा है कि आप उसमें कावा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर वही बात है कि मजबूरी की हालत में वो चीज जायज हो जाती है जो अदमे मजबूरी में जायज नहीं होती, जो आसानियों में जायज नहीं होती, मुश्किल में वो चीज जायज हो जाती है। तो ये जो सफर में गाड़ी पर नमाज पढ़ने का मामला है सिर्फ नफली नमाजों के लिए, फर्ज नमाज में असल यही है कि आपको किबला का रुख करना चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ चेहरा किबले की तरफ हो जाए आपका, और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है तो फिर आपको इजाजत है इस बात की कि आप गैर किबला की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़नी है। बहुत सारे लोग जो इस वजह से नमाज ही नहीं पढ़ते हैं कि अरे किबला की किबला हमको तो मिल ही नहीं रहा था हम नमाज, तो नमाज आपकी माफ नहीं है, नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी, वक्त पर पढ़नी पड़ेगी। एक मसला भी पैदा होता है कि काबा के अंदर जाकर के अगर नमाज पढ़े तो चेहरा कहाँ होना चाहिए, तो काबा के अंदर बाज़ लोगों ने तो मना ही किया इससे कि काबा के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। बहुत सारे मसालिक में काबा के अंदर नमाज पढ़ना मना है, वो कहते हैं काबा के अंदर अगर नमाज पढ़ेंगे तो काबा का बाज़ हिस्सा हमारी पीठ के पीछे हो जाएगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। लेकिन हमको अल्लाह के रसूल सल्लम की सही तरीन और सही हदीसों से, सही हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ी है। जैसे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल-काबा था, अल्लाह के रसूल काबा में दाखिल हुए, आपके साथ उसामा बिन जैद और बिलाल थे और उस्मान इब्ने तलहा थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दरवाजा बंद कर लिया, थोड़ा देर उसमें रहे और उसके बाद बाहर निकले, तो मैंने बिलाल से पूछा कि अल्लाह के नबी ने काबा में क्या किया, तो हज़रत बिलाल ने बताया कि एक जो है एक सुतून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाईं तरफ रखा, एक सुतून दाईं तरफ रखा और तीन सुतून पीछे रखे, और अल्लाह के नबी उस वक्त जो है काबतुल्ला में छह सुतून हुआ करते थे, सुम्मा सल्ला और फिर नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी है। यानी ये जो दोनों यमानी जो सुतून थे उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं रख करके नमाज पढ़ी है, तो इससे पता चलता है कि काबतुल्ला में आप नमाज पढ़ सकते हैं, और जब आप काबतुल्ला में नमाज पढ़ेंगे तो आप किसी भी जहत में चेहरा करके नमाज पढ़ सकते हैं। जब काबा के अंदर नमाज पढ़े तो उसमें फिर कोई वाजिब नहीं कि कोई खास जहत होनी चाहिए, मसनून है कि अल्लाह के नबी ने काबा के अंदर जिस जहत में, यानी तीन सुतून पीछे रख करके और दो सुतून दाएं बाएं रख करके जिस जहत में नमाज पढ़ी थी उस जहत में नमाज पढ़े, और अगर
वो, लेकिन ये वाजिब नहीं है। यानी उलमा ने कहा है कि काबा के अंदर आप किसी भी जहत में, क्योंकि पूरा काबा उसकी सारी दीवारें किबला है, तो किसी भी जहत में नमाज पढ़ सकते हैं। यही काबा की छत पर नमाज पढ़ने का भी हुक्म है कि आप किसी भी जहत में नमाज पढ़ सकते हैं। पांचवा मसला ये आता है कि अगर कहीं पर आप सफर में गए हैं या किसी ऐसी जगह पर है जहां आपको किबला का पता नहीं है, कहीं मतलब आप मार्केट में हैं, किसी बेसमेंट में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ किबला क्या है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ चेहरा नहीं कर सकते। आपके अंदर, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका एक तरीका हो सकता है मालूम करने का, उसमें आप मालूम करेंगे कि किबला कहाँ है। इस जमाने में तो बहुत आसान है, मोबाइल पे आपके ऐप्स होते हैं तो वो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं किबला किस तरफ है। ये कोई मुश्किल चीज़ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में नहीं रह गई। अगर मोबाइल वगैरह आपको यूज करना नहीं आता है तो लोगों से पूछ लें, हिंदुस्तान में तो आप खाली पूछ लें कि वेस्ट किस तरफ है, तो आप उस तरफ से नमाज पढ़ लें। बाहर है तो सूरज देख लें, सूरज देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किबला किस तरफ है। तो जो भी तरीका किबला को मालूम करने का है, उसको इख्तियार करना आप पर वाजिब है, क्योंकि किबले की तरफ चेहरा करना वाजिब है। तो हर वो तरीका जिससे किबले की मालूमात हासिल की जा सकती है, उस तरीकों को इख्तियार करना भी वाजिब है। क्योंकि उल्मा ने कहा है, माल अतीमु बिल वाजिबु फहुवा वाजिबुन, जिस चीज के बगैर वाजिब पर अमल ना हो सकता हो, उस चीज पर अमल करना भी वाजिब होता है। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो ऐप इंस्टॉल करना आप पर वाजिब हो जाएगा। अगर आपको किबले का रुख नहीं पता है, कौन से रुख पर किबला है ये आपको नहीं पता है, तो आप पर ऐप का इस्तेमाल करना वाजिब हो जाएगा। इस तरह के कंपास भी आते हैं बाज मरतबा, बाज मुसल्ले भी आते हैं जिनमें वो कंपास लगा हुआ होता है, जिसमें किबले का डायरेक्शन बताता है। तो आप अपनी हद तक आखिरी कोशिश करेंगे किबला मालूम करने की। अगर तहदीद में गलती हो गई, आपको लगा कि फला जगह किबला है और आपने उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना शुरू की, और किसी ने आकर के बता दिया कि तुम गलत तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हो, किबला उस तरफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर सकते। आपको नमाज की हालत में ही अपना किबला तब्दील करना पड़ेगा। और उसके बारे में भी वही दलील है हदीस की, जो सहाबा थे, जब उनको पता चला कि किबला तब्दील हो गया, उन्होंने नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया, नमाज की हालत में ही उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत पसंद भी फरमाया, इस अमर की बहुत अल्लाह यकीनी, उन्होंने इतना अल्लाह ताला की हुक्म पर इतना यकीन था कि फौरन उन्होंने नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया, फौरन ही अपना किबला तब्दील कर लिया। तो अगर आपने एक सिम पे नमाज पढ़ना शुरू कर दी है और नमाज की हालत में आपको पता चला कि आपका चेहरा जो है वो किबले की तरफ नहीं है, तो आपको नमाज की हालत में घूम करके अपना किबला तब्दील करना पड़ेगा। छठी चीज, अगर सातवीं चीज, अगर आपको किबले की तहदीद में गलती हो गई आपसे और नमाज के बाद आपको इल्म हुआ, आपने नमाज पढ़ ली और नमाज के बाद पता चला कि आपने गलत तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ ली है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। और इसकी दलील भी वही वाली हदीस है जिसमें अहले कुबा ने जो है वो दो रकाते हुक्म नाजिल होने के बावजूद शाम की तरफ यानी बैतुल मकदस मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके पढ़ी थी, और उसके बाद उन्होंने जब दो रकातें पढ़ लेने के बाद उनको पता चला किबला तब्दील हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अपना चेहरा घुमा लिया। तो इससे पता चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन दो रकातों को दोहराने का हुक्म नहीं दिया जो दो रकातें उन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके पढ़ी थी। तो अगर किसी को नमाज किसी ने पढ़ ली और उसको नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि उसने जिस तरफ चेहरा किया था उस तरफ किबला नहीं है, तो उसको नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी। उसकी हदीस, उसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है जो ऊपर गुजर चुकी है। आगे की आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वलैन अतैतल्लज़ीन उतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंता बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलैन तबअ'ता अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इदल लमिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, वलैन अतैतल्लज़ीन उतुल किताब बिकुल्ली आयतिन, अगर आप अहले किताब को सारी निशानियां ला करके दे दें, हर तरह की निशानी ला करके दे दें, माँ तभी हो किबले तक, तो ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि इसकी बहुत तशवीश थी, सबसे बड़ी मुखालफत किबले की तब्दीली पर अहले किताब की तरफ से हुई, यहूदो नसारा की तरफ से हुई। क्योंकि यहूदो नसारा, मैंने बताया ना कि किबले के तब्दील होना एक तरह से इस उम्मत के लिए ताजपोशी की तरह था, और एक स्पेशल जो है स्टेटस इस उम्मत को दिया गया। ये बल्कि किबला एक ऐसी चीज है ना जिससे पूरी उम्मत एक नुक्ते पे आकर के मुत्तहिद हो जाती है, इसलिए उम्मत के लिए अहले किबला का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अहले किबला यानी वो सारी उम्मत के लोग जिनका किबला एक है। तो किबला जो है वो हमारी, एक तो हमारे इत्तेहाद की अलामत है, और दूसरा अहले किताब के साथ हमारे इख्तिलाफ की भी अलामत है कि हम मुसलमान हैं, हमारा किबला काबा है, और जो यहूद और नसारा है वो इसको किबला नहीं मानते, वो मस्जिद अक्सा को बैतुल मक़दिस को किबला मानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुखालिफत हुई किबले की तब्दीली पर, वो किसकी तरफ से हुई? वो अहले किताब की तरफ से हुई।
और जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इख्तिलाफ से एक तकलीफ थी, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने पहले से अपने नबी को जो है ना वो वार्न कर दिया था और एक तैयार कर दिया था कि जैसे ही किबला की तब्दीली का हुक्म आएगा, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास, जो बेवकूफ़ लोग हैं अहले किताब में से, वो एक हंगामा खड़ा करेंगे, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये कौन सा नबी है, सारे नबी आज तक के मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते रहे, इसने किबला ही तब्दील कर लिया। ये क्या है कि कभी इस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, कभी उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ता है। अगर किबला काबा ही को बनाना था तो फिर ये 16-17 महीने तक इस तरफ चेहरा करके नमाज क्या पढ़ रहे थे? क्या इनको दीन का कोई हुक्म नहीं पता है? क्या अल्लाह ताला को नहीं पता था ये कैसे हुक्म तब्दील हो गया? ये पूरी जो जहन साजी अल्लाह के नबी की जा रही थी ना कि अल्लाह ताला हुक्मों को मनसूख भी कर सकता है और अनकरीब आप पर इस तरह के हमले भी होंगे, वो अल्लाह ताला को ये बात इल्म में थी अल्लाह ताला के कि इस जो किबले की तब्दीली का हुक्म आया है इस पर एक बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है, और ये हंगामा खड़ा करने वाले कौन लोग थे? अहले किताब। हालांकि उम्मीद तो ये थी कि इस हुक्म को सबसे पहले अहले किताब तस्लीम करते, क्योंकि अहले किताब जानते थे कि काबतुल्लाह हजरत इब्राहिम ने तामीर किया है, काबतुल्लाह ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला था, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने जो किया है वो कोई नई बात नहीं है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही रूट पर है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको खुशदिली से इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन उनकी तरफ उनसे यही था, उम्मीद उनसे यही थी, लेकिन बहुत शदीद तरीन मुखालफत हुई उनकी, उन्होंने जितना इल्जाम अल्लाह के नबी पर लगा सकते थे हर इल्जाम लगाया। जाहिर सी बात है एक आदमी जब हक पर होता है और बातिल हमला आवर होता है तो जो हक पर होता है उसको तश्वीश होती है कि मैं ये दलील दे रहा हूँ, ये दलील दे रहा हूँ, ये दलील दे रहा हूँ, इतनी दलीलों के बावजूद सामने वाला नहीं मान रहा, तो उसका उसके दिल में उलझन पैदा होती है, उसके जहन में एक उलझन पैदा हो जाती है और उसके दिल को तकलीफ होती है कि मैं इतनी सारी दलीलें दे रहा हूँ फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा, और उसको लगता है कि कहीं मेरी दलीलों में, मेरे आर्ग्यूमेंट में, मेरे तरीके दावत में कोई खामी तो नहीं रह गई कि मैं सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा। जब सामने वाला बातिल पर होता है और आदमी हक पर होता है और वो ये दलील देते जाते हैं और सामने वाला नहीं मान रहा, तो जो हक पर आदमी है ना उसको एक फिक्र होती है कि मुझ में कहाँ कमी रहेगी कि मैं सामने वाले को नहीं समझा पा रहा, मेरे अंदर कौन सी गलती है, मेरे तरीके दावत में, मेरे आर्ग्यूमेंट में कौन सी प्रॉब्लम है कि सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा। वो और ये जो तकलीफ होती है ये बहुत शदीद होती है। दाई का जज्बा जितना, दाई जो है ना अपनी दावत में जितना मुखलिस होगा इनकार पर उसको उतनी ही तकलीफ होगी। हत्ता कि अल्लाह के नबी की तकलीफ का तो आलम ये था ना कि कुरान मजीद बार बार अल्लाह के नबी को तसल्ली देता है, अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं, वलअल्लाका बाखिउ नफ्सका अल्ला यकूनु मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लम ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप ही को हलाक कर लेंगे अगर ये ईमान नहीं लेकर के आते। तो अल्लाह के नबी सल्लम को तो बहुत तशवीश थी, अल्लाह के नबी को बहुत गम था कि इतनी वाजह आयतें होने के बावजूद, निशानियां होने के बावजूद कि अल्लाह के नबी सल्लम रसूल हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, किबले की तब्दीली का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आया है, इतनी वाजह निशानियां होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लम की रिसालत को इतने वाजह निशानियां आ जाने के बावजूद अहले किताब की मुखालफत बढ़ती जा रही। तो नबी की उस तशवीश को कम करने के लिए, नबी के उस गम को कम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली दे रहा है कि अल्लाह के नबी आप ये मत समझिए कि आपकी दलीलों में कोई कमी रह गई इस वजह से लोग जो है वो किबले की तरफ चेहरा नहीं कर रहे और किबले के तब्दीली के हुक्म को तस्लीम नहीं कर रहे और काबा को अपना किबला बनाने के लिए राजी नहीं है। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपकी दलीलों में कोई खोट नहीं है, आपके तरीके दावत में कोई मुश्किल नहीं है, आप तो सारी दलीलें ला करके इनके सामने बिछा दें, आता भी हो किबले तक कि आपकी किबले की तरफ चेहरा नहीं करेंगे, आपकी किबले की इत्तेबा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ मसला दलील का नहीं है, मसला ये नहीं है कि दलीलें इनके समझ में नहीं आ रही, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हुक्म अल्लाह की तरफ से, अल्हक्कु मिन रब्बिक, हक जो है वो आपके रब की तरफ से है, ये जानते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि इन्होंने आपसे हसद कर लिया है, ये आपसे जिद रखते हैं, आपसे बुग्ज रखते हैं। एक आदमी जिसको हक नहीं पता हो, इस वजह से वो हक का इनकार कर रहा हो, उसको हक समझा करके मनवा लेना आसान काम है। एक आदमी को हक नहीं पता, आप दलीलें देंगे, उसको हक समझ में आ जाएगा, वो मान लेगा, उसके मानने का इम्कान है। पर एक आदमी हक को जानने के बावजूद महज इस वजह क्योंकि हक उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, इस वजह से हक का इनकार कर रहे हैं, आप उसको नहीं मनवा सकते, क्योंकि वो तो पहले से जानता है कि आप हक पर हैं। उसके इनकार की वजह ये थोड़ी ना है कि वो हक नहीं जानता है, वो जानने के बावजूद सिर्फ इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता, वह हक के रास्ते को इख्तियार नहीं करना चाहता। ऐसा आदमी दलीलों से नहीं मानेगा, आप दुनिया भर की दलील है, क्योंकि उसने ठान लिया है
वो इस जिद इनाद और हठधर्मी पर ही अड़ा हुआ है कि मुझे नहीं मानना है। तो जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ पे ना कि एक आदमी अगर अड़ जाए कि बकरी की पांच टांगे तो आप उसको लाख गिनती गिना दे वो नहीं मानेगा, बस उसने जिद कर दी कि मुझे नहीं मानना है। तो इनका प्रॉब्लम दलील है ही नहीं, इनका मसला निशानियां नहीं है, इनका मसला आयतें नहीं है। अगर आयतों से मानने वाले होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेशुमार आयतें आपके रसूल होने की दुनिया के अंदर मौजूद है, और यहूद से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लम की रिसालत को जानने वाला कौन था। अभी आगे का आयत आएगी कि अपने बच्चों की तरह आपको पहचानते हैं, जैसे अपने बच्चों को पहचानने में इनकी कोई इनको कोई शक नहीं हो सकता, वैसे आपके रसूल को आपको भैसियत रसूल पहचानने में इनको कोई शक नहीं है। तो अगर मसला दलील का होता, मसला आयतों का होता, मसला जो है वो निशानियों का होता, तो फिर तो चंद ही निशानियां काफी थी इनके ईमान लाने के लिए। आप देखिए ना कि सलमान फारसी जो है वो फारस से आकर के और रसूल सल्लम को पहचान लेते हैं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर क्या जाते हैं। कैसे ईमान लाते सलमान फारसी की अल्लाह के नबी सल्लम को टटोलते हैं, वो निशानियां जो उन्होंने पढ़ी होती है वो जांचते हैं अल्लाह के रसूल के अंदर पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही। सदका ला करके एक दिन देते हैं खजूर, कहते हैं ये खजूर जो है वो सदका है, और अल्लाह के नबी सल्लम उस खजूर को लेते हैं दूसरों को बांट देते हैं। दूसरे दिन खजूर लाते हैं कहते हैं आपके लिए हदिया है, तो अल्लाह के नबी कबूल कर लेते हैं और निशानियां सारी देखते हैं। तो उनको पता है कि नबी जो है वो सदके की रकम नहीं खाता, नबी जो है वो हदिया कबूल करता है, और नबी सल्लम की पीठ पर जो निशानी थी वो तलाश करते हैं। सलमान फारसी का वाकया आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दिलचस्प और बहुत ईमान अफरोज वाकया है। तो उतनी दूर से आकर के निशानियां देख करके उन्होंने अल्लाह के रसूल को पहचान लिया, और यहूद में से भी जो चंद लोग ईमान लेकर के आए थे उनको पहचान लिया, अल्लाह के नबी सल्लम को पहचान लिया उन लोगों ने। तो अगर सिर्फ निशानियों से पहचानना होता तो ये कब का आपको पहचान चुके होते, मसला इनका निशानियां है नहीं। तो इसलिए आप इतना गम मत करें, आप ये मत सोचें कि आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई, आपके तरीके दावत में कोई प्रॉब्लम है, आपके अप्रोच में कोई खोट है, ऐसा मसला नहीं है। आप कितना भी जबरदस्त अप्रोच रख लें, क्योंकि इन्होंने ये तय कर लिया है कि इनको नहीं मानना है। आपसे इनको हसद ये है कि ये सोचते थे कि बनी इसराइल में आखिरी नबी आएगा, अब बनी इस्माइल में आखिरी नबी आ गया है, जिनको ये उम्मी और अनपढ़ कहते थे उन्हीं में एक नबी भी आ गया है। अब इनकी अजमत को कैसे, इनको लगता है कि इनकी अजमत को ठेस पहुंच जाएगा कि उम्मियों में से किसी को रसूल मान लें, तो ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी इनके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। ये हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के नबी को कि आप इनके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। यानी बाज़ मरतबा दाई के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है जब उससे शदीद मुखालफत करती है तो एक जहन में उसके बाद आने लगती है कि चलो थोड़ा सा मैं नरम पड़ जाता हूँ, इनकी थोड़ी सी बात मान लेता हूँ, थोड़ा सा इनका वाला भी ले लेता हूँ। और जैसे जो एक सेकुलर मिजाज होता है ना कि हम भी तुम्हारे दिन पे थोड़ा सा अमल कर लेंगे, तुम भी हमारे दिन पे थोड़ा सा अमल कर लो, तुम भी हमारे यहाँ ईद में आओ और सवैयाँ खाओ और हम भी जो है वो तुम्हारी मंदिर पे जाकर के घंटी बजा लेंगे और अपने माथे पे टीका लगा लेंगे। तो एक मेजॉरिटी जब आपकी मुखालिफ हो जाती है, खासतौर पे मेजॉरिटी जब हावी हो, यहूद जो थे उनका एक बुलंद रुतबा था क्योंकि वो अहले किताब में से थे, इल्म वाले समझे जाते थे। तो अल्लाह के नबी से फरमाया जा रहा है, बल्कि अल्लाह के नबी के तवस्सुत से पूरी उम्मत को ही तालीम दी जा रही है, कितनी भी मेजॉरिटी बड़ी तुम्हारे खिलाफ हो, अगर तुम हक पर हो तुमको उनकी कोई बात तस्लीम नहीं करनी, आप उनकी क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंता बिताबिइन क़िबलता, इसलिए जुमला इस्मिया के बजाय, जुमला फेलिया के बजाय जुमला इस्मिया के साथ अल्लाह के नबी को ताकीद की गई, और मा तबी क़िबलता की जुमला फेलिया है, वमा अंता बिताबिइन क़िबलतहुम ये जुमला इस्मिया है। और मैं शुरू में आपको बताया था कि जुमला इस्मिया में सबूत के माने ज्यादा पाए जाते हैं, उसके अंदर ज्यादा ताकीद पाई जाती है। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उनके क़िबले की पैरवी करें, वो कितना भी दबाव डालें, कितना भी जो है वो आपको मजबूर करें। और ये नबी की तवस्सुत से पूरी उम्मत को खिताब किया जा रहा है कि तुमको जब ये पता है हक पर हो, तुम अकेले रहो, करोड़ों लोग तुम्हारे मुकाबले में हो, तुमको उनकी बात नहीं माननी, उनके रास्ते पे नहीं चलना है, उनके क़िबले को कबूल नहीं करना है, उनके दीन को कबूल नहीं करना है, उनके रास्ते से, यानी ये तो वो लोग हैं ना जिनके रास्ते से चलने के लिए, जिनके रास्ते पर चलने से बचने के लिए हम सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, ये मकसूब अलहिम है, ये दौलीन है, तो इनके रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं। वमा बादुहुम बिताबिइन क़िबलता बाज़, और उनमें से भी बाज़ का क़िबला क़िबले की पैरवी नहीं करेगा, बाज़ के क़िबले की तरफ नहीं चलेगा। यानी या तो बास से मुराद ये कि यहूद और नसारा, कि अहले किताब में से यहूद भी आते हैं नसारा भी आते हैं, तो खुद यहूद और नसारा के क़िबले तब्दील थे। यानी बास लोगों ने कहा कि नसारा जो है वो मशरिक की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे जो ईसाई थे, और
ये जो थे वो अगर मस्जिद अक्सर से बाहर होते तो मगरिब तरफ। बहरहाल दोनों का किबला अलग अलग था, यहूद और नसारा का। तो यहूद और नसारा आपस में भी एक दूसरे के किबले की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़ सकते, या तो फरमाया इनमें से भी बाज के किबले की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़े। पहले इन तबा तहवाहुम मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इदल मिन अद्दालिमीन। और अगर आपने इनके ख्वाहिशात की पैरवी की बाद इसके कि आपके पास अल इल्म आ गया है, आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इल्म आ चुका है, इन्नका इदल लमिन अद्दालिमीन, तो आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दी है, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो महाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के ख्वाहिशात की पैरवी करें। तो एक नामुमकिन चीज को सपोज करके, एक उसको फर्ज करके उसकी कबाहत बयान करना मुफ्ती, कुरान मजीद में बहुत होता है फर्ज महाल जिसको कहा जाता है, एक महाल चीज को फर्ज कर लें, एक जो है इम्पॉसिबल चीज को सपोज करके और फिर उसका एक हुक्म बयान करें। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ए अल्लाह के नबी अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमाल जाए हो जाएंगे। तो ऐसी बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करें, पर ये बताया जा रहा है कि शिर्क इतना बदतरीन जुर्म है कि अल्लाह के नबी जो अल्लाह ताला के इतने महबूब हैं वो भी अगर शिर्क करेंगे तो अल्लाह ताला उनका अमल भी जाया कर देगा। तो एक नामुमकिन चीज को फर्ज करके और उस ना उसकी उसका हुक्म बयान किया जाता है ताकि उसकी कबाहत वाजे हो सके कि और तो और लोगों को तो छोड़ो, नबी भी अगर शिर्क करेंगे तो अल्लाह उनके भी अमल जाया कर देगा। नबी से ज्यादा आला अफजल बरतर और नफीस अमल किसका होगा, पाक अमल किसका होगा, पर शिर्क के आगे नबी का अमल भी नहीं टिक सकता। हालांकि ना मुमकिन नहीं कि अल्लाह के नबी शिर्क करें। और भी कुरान में इस तरह की आयतें जिसको हम फर्ज महाल कहते हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि कुल इनकान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कह दो कि अगर रहमान की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। अगर रहमान के लिए औलाद हो जाए कि रहमान का कोई बच्चा है तो मैं पहले उसकी इबादत करूंगा उस औलाद की, तो नामुमकिन है अल्लाह की तआला की कोई औलाद हो। पर फर्ज करके बताया जा रहा है कि अगर कोई होती तो मुझसे पहले तुम उनकी इबादत नहीं करते। हाँ, लौका नफीम आलियतफसदता, कि अगर जमीन पर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो जमीन पर फसाद हो जाता है, तो कोई नहीं लेकिन अगर होता तो फसाद हो जाता। तो ये यहाँ पे भी वो फर्ज महाल वाली ताबीर है। ऐसा मुमकिन नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकी ने अहले किताब की ख्वाहिशात की पैरवी करें, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर आप भी उनकी पैरवी करें मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, बावजूद इसके कि आपके पास इल्म आ गया। देखिए ताबीर कितनी प्यारी है, मुशरिकीन के पास इल्म नहीं, जो अहले किताब है उनके पास इल्म नहीं, उनके पास क्या है, अहवा है, ख्वाहिशात हैं, आरजुए हैं, तमन्नाएं हैं। वो उन्होंने अपनी तमन्नाओं को अपना दीन बना लिया। वो अगर काबतुल्लाह की तरफ चेहरा नहीं कर रहे तो इसकी वजह नहीं कि उनके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज की वजह से वो ये समझ रहे हैं कि काबा की तरफ चेहरा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह नॉलेज नहीं, इसकी वजह है अहवा, ख्वाहिशात। और आप जो काबतुल्लाह की तरफ चेहरा कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अल इल्म है। अल इल्म इसको मारिफा ला गया, यानी वो इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से आया। ये हर इल्म नहीं, यहाँ पे खास एक इल्म अल्लाह ताला की तरफ से उतरा हुआ इल्म, कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, हिकमतें जो अल्लाह ताला नाजिल करता है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारे पास नॉलेज है, अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई वही है, उनके पास ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं। अगर तुमने ये कुरान और सुन्नत का जो इल्म है इसको छोड़ करके उनके ख्वाहिशात की इत्तिबा की, इन्न कैदल लमिन अद्दालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। जालिम का मतलब होता है किसी चीज को उसका हक नहीं देने वाला। तो यहाँ पे जुल्म से क्या मुराद है, यहाँ जुल्म से मुराद हक के साथ जुल्म करना है, क्योंकि हक की इल्म की इल्म का ये हक है कि आप उसकी इत्तिबा करें, इल्म को छोड़ दें, हक को छोड़ दें, ये हक के साथ जुल्म है। ये अल्लाह ताला के साथ भी जुल्म है कि आप अल्लाह ताला की उतारी हुई इल्म को छोड़ करके अहले किताब की ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, अहले किताब की ख्वाहिशात को अपना दीन बना ले। और अपनी नफ्स पर भी जुल्म है कि मेरे पास एक चीज की नॉलेज है, अल्लाह ताला का उतारा हुआ दीन है, और फिर मैं गैरों की पैरवी कर रहा हूँ, गैरों के ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नका इदल मिन अद्दालिमीन, अगर अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को छोड़ करके आप यहूद व नसारा की ख्वाहिशात के पीछे चलने लगेंगे तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। हक तो ये इसमें जो है ना वो हमारे लिए खास तौर पे, देखिए मैंने बताया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का इल्म छोड़ करके, अल्लाह ताला की वही का हुक्म छोड़ करके मुशरिकीन और अहले किताब की ख्वाहिशात की तबाह करें। लेकिन हम अपने जिंदगी में देखें हमारी कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे रहन सहन का तरीका, उसमें कितना हमारे पास अल्लाह का इल्म होने के बावजूद, अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई वही होने के बावजूद, हमारा किरदार और हमारा रवैया
अहले किताब को फॉलो करने का होता है, हमारी कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा अकीदा, उसमें हम बजाय इसके कि अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म की इत्तबा करें, हम अहले किताब के ख्वाहिशात की इत्तबा करें। अगर नबी सल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप अल्लाह के इल्म को छोड़ के, अल्लाह ताला की दी हुई वही को छोड़ करके अगर मुशरिकीन और अहले किताब के ख्वाहिशात की इत्तबा करेंगे तो आप जालिमों में से हो जाएंगे, तो फिर हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है कि हम जो है वो अपने कल्चर, हम अपने यानी वो जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो ये सूरत हाल है हमारी, हमारी वजा कता ईसाइयों की तरह, हमारा तमद्दुन हिंदुओं की तरह, और हम ऐसे मुसलमान हैं कि नाम तो हमारा मुसलमान वाला है लेकिन हमारी किरदार, हमारी अखलाक, हमारी आदात को देखकर यहूदियों को भी शर्म आ जाए। वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान ही जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। हम ये देखें कि अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि अल्लाह का दीन छोड़ करके अगर अहले किताब की ख्वाहिशात के पीछे चलोगे तो तुम जालिम कहलाओगे। हम अपनी सुबह शाम में गौर करें कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को छोड़ करके मुशरिकीन और अहले किताब के तर्ज पर हमारी जिंदगी चल रही है। हमारा कल्चर, हमारा हमारा चेहरा अहले किताब के चेहरों की तरह, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, बर्थडे मनाना और मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जो अहले किताब की शनाख्त है, कदम कदम पर अहले किताब की मुशाबहत इख्तियार करना, उनके जैसा बनने की कोशिश करना, बावजूद इसके कि उससे बहुत बड़ी चीज अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन हमारे पास मौजूद है, पर हम अपने दीन को साइड में लगा करके अहले किताब के पीछे चलने और अपनी जिंदगी उनकी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने को हम फख्र समझते हैं। फरमाया इन्ना इज़ा लमिन अज़्ज़ालिमीन, ऐसी सूरत में आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो यह आयत नंबर 145 थी। यहीं पर हम आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और मुशरिकीन और अहले किताब की ख्वाहिशात की इत्तबा से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। ठीक है, इस पर ही आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك